हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस डब्ल्यू जी स्टडी विथ ग्रुप और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने हार्मोन्स के चैप्टर को तो ये है पार्ट टू और आज हम कुछ और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली आज हम कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड दो हार्मोन जिसको कि कहते हैं लव हार्मोन जो कि जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीटोसिन इसको ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कैसे क्यों बोलते हैं वो भी आज हम पढ़ेंगे तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली जैसे हार्मोन एक न्यू और एक न्यूरो है विच इज़ प्रोड्यूस बाई हाइपोथैलमस एंड रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैल में इसकी प्रोडक्शन होती है एंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रेट करता है जैसे कि मैंने बताया इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है क्यों बिकॉज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन रोमांटिक रिलेशनशिप इन पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड बॉन्डिंग एंड इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द ग्रुप एक्टिविटीज़ जो आपको अच्छा फील कराते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट सेक्शुअल स्टिमुलेशन चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग तो आपने ये बहुत महसूस किया होगा कि जब आप किसी को हक करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है जब आप ग्रुप टीम में काम करते हो कुछ टीम वर्क करते हो तब भी आप बहुत अच्छा फील करते हो और दैट मींस कि ये जो हार्मोन है इट बेसिकली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इन बिल्डिंग द बॉन्डिंग्स आपके फैमिली रिलेशनस हजबेंड वाइफ रिलेसनशिप्स और आपके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन सब रिलेशनशिप में जो बिल्डअप होता है जो इमोशन बिल्डअप होता है जो आपको एक प्लेजर सीकिंग फीलिंग भी देता है दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटोसिन सो ऑक्सीटोसिन जो है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द लव हार्मोन बट कभी कभी इट कैन ट्रिगर एग्रेशन टूवॉर्ड द मेम्बर्स ऑफ द आउट ग्रुप आउट ग्रुप मतलब जो हमारे ग्रुप में नहीं होते दूसरे ग्रुप में होते हैं कभी कभी उसके अगेंस्ट में कुछ जेलिसी और एग्रेशन काइंड फीलिंग्स भी प्रोड्यूस करता है जैसे कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कुछ लोगों की एग्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है पाकिस्तान के अगेंस्ट सो दैट मे बी ड्यू टू दी ऑक्सीजन ऑक्सीटोसिन नेक्स्ट हार्मोन इज द एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन क्या है इट्स अ सेक्स हार्मोन विच एग्जिस्ट इन बोथ सेक्सेस ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स mm -hmm. में होता है इट एग्जिस्ट इन बोथ फीमेल एंड मेल्स बट इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स इन द फीमेल उनके उनके जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है और सेक्शुअल फंक्शनिंग है उसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा रोल प्ले करता है एंड प्राइमरि एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाई द ओवरीज एंड इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द मैंसरेशन इन विमेन इट हेल्प्स इन वजैनल फंक्शनिंग एंड इट मेन्टेन्स अ लिबिडो इन बोथ सेक्स वॉट इज लिबिडो लिबिडो इज अर्स टू हैव सेक्स सो ये जो है लिबिडो का लेवल भी एस्ट्रोजन मेंटेन करता है एंड इन बोथ सेक्सेज मतलब इन मेल्स एंड फीमेल्स एज वेल इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रेन हेल्थ इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट और इन इमोशनल रेगुलेशन मूड डिसऑर्डर्स एंड मेमरी एंड जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है एंड जैसे, जैसे जैसे ये लेवल डिक्रीज़ होता है विद एज तो मेनोपॉज भी स्टार्ट होने लग जाता है तो एस्ट्रोजन जो है हमारे मूड रेगुलेट करने में हेल्प करता है हमारे जो इमोशनल रेगुलेशन हैं जैसे कहाँ भी ज़्यादा जैसे मूड स्विंग्स हैं और मूड चेंजेस हैं वो विमेन में ज़्यादा होते हैं बिकॉज एस्ट्रोजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग और जैसे कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है पीरियड जिसको बोलते हैं लेमन लैंग्वेज दैट इज़ रेगुलेटेड बाय दी एस्ट्रोजन जैसे जैसे ये एज इंक्रीज होती है वुमेन की वैसे वैसे मेनोपॉज मेनोज मीन्स पीरियड्स रुक जाते हैं लाइक आफ्टर द एज ऑफ थर्टी किसी में थर्टी टू फोर्टी आजकल तो ये एज और कम हो गई है तो यूजली थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव इज द एज मैन ये मोनोपोज हो जाता है एंड एक एस्ट्रोजन का एक और गुड इफेक्ट ये भी है कि इट आपने देखा होगा मतलब ये स्टैटिस्टिक्स भी बताते हैं कि वीमेन आर वुमेन आर मोर सेफ टू गेट अ हार्ट अटैक और मैन आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक वाई बिकॉज एस्ट्रोजन का जो लेवल है जो फंक्शनिंग है वो वुमेन में ज़्यादा है जो कि उनकी हार्ट फंक्शनिंग को हेल्प करता है दैट्स वाई ये हार्ट अटैक के केसेस भी वुमेन में कम होते हैं इन कंपैरिजन टू मैन वन इज टू टू का रेशियो है दैट मीन्स वन विमेन को अगर हार्ट अटैक आता है तो इन उसके कंपैरिजन में दो मैन को हार्ट अटैक आता है तो एस्ट्रोजन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव मेजर फॉर द हार्ट इन दिमैन नेक्स्ट इज द प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन इज ऑल्सो अ सेक्स हार्मोन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑल्दो इट इज नेसेसरी फॉर मेल सेक्शुअल फंक्शन ऑल्सो क्यों क्योंकि इट आल्सो एड्स इन प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन क्या है इट बेसिकली कंट्रीब्यूट टू द मेल सेक्सुअलिटी सो प्रोजिस्ट्रॉन मेल रोल इज टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विमेन एंड डेवलपमेंट ऑफ़ द फीमेल सेक्स करेक्टर सच एज ब्रेस्ट एंड प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए ये प्रोजिस्ट्रॉन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये प्रोजिस्ट्रॉन जो है सपोर्टिव मेजर का, का काम करता है ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे एंड एन विमेन प्रोजेस्ट्रॉन इज प्रोड्यूज इन ओवरीज एंड वर्क इन कंसर्ट विद द एस्ट्रोजन जो एजिस्ट्रॉन है एस्ट्रोजन है और जो प्रोजेस्ट्रोन है दोनों अपने कंसर्ट मतलब साथ मिल के काम करते हैं मेनटेनिंग दिमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ नेक्स्ट वन इज द टेस्टस्ट्रॉन टेस्टेस्ट्रॉन इज ऑल्सो सेक्स हार्मोन दैट इज द मेन ड्राइवर ऑफ द मेल सेक्शुअल डेवलपमेंट एंड लिबिडो इसको कभी कभी मेल सेक्शुअल हार्मोन भी कहा जाता है बट कहीं कहीं पर कहीं पे मतलब इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एंड स्मॉलर रोल दो इन द फीमेल सेक्शुअल फंक्शनिंग फीमेल के सेक्शुअल फंक्शनिंग है लिबिडो उसमें भी टेस्टोस्टेरोन का रोल है एंड टेस्टोस्टेरोन को माना जाता है इट्स अ ड्राइवर ऑफ एन एग्रेशन मतलब जो गुस्सा और जो वायलेंस और जो एग्रेशन होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन

डेवलपमेंट ना करके इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू दी कॉम्नेटिव डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इन ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द मेल्स तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट द सेक्सुअल हार्मोन एंड द ऑक्सीटोसन आई होप ये हॉमोन्स आपको क्लियर हुए होंगे और कैसे साइकोलॉजी पे हमारे मूड पे इफेक्ट करते हैं आपको समझ में आया होगा अगर आपको मेरी वीडियोज़ वर्थफुल लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करिए अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करना ना भूले आई विल लव टू मेक वीडियो ऑन दैट थैंक यू